हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री। सो वेलकम ऑल इन द आयनिक बॉन्ड पार्ट टू। सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट लेटाइस एनर्जी, हाउ कैन वी कैलकुलेट लेटाइस एनर्जी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटाइस एनर्जी, एंड विल सॉल्व सर्टेन न्यूमेरिकल्स एंड यू कैन से एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स, दैट व्हाट इज लेटाइस एनर्जी। So you know that Na plus in the gaseous form plus Cl minus in the gaseous form. You can simply say this as a cation in gaseous form. This is anion in gaseous form. So when my dear student, one mole of cation and one mole of anion come together and they will form one compound, that is NaCl in solid form. Clear? At that time, they are releasing some energy, it is considered as a lattice energy. आइए इसको बहुत ही बेसिक तरीके से समझते हैं कि भाई Na plus gaseous form में है, Cl minus gaseous form में है, उनकी energies कुछ ज्यादा है, but ये एक दूसरे से बहुत नजदीक आते हैं, and कौन से form बनाते हैं, solid form बनाते हैं। तो भाई Na plus Cl minus एक दूसरे से infinite distance तक दूर है, but due to attraction force एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ जाते हैं, बहुत ही नजदीक आ जाते हैं। हमने देखा था जब नजदीक आते हैं तब पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो उनके पास जो एनर्जी थी वो लूज करते हैं। इट मींस व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड विल फॉर्म फ्रॉम वन मोल ऑफ कैटायन एंड वन मोल ऑफ एनायन, एट दैट टाइम इट विल रिलीज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी विल रिलीज, सो दैट एनर्जी इज कंसिडर एज अ लेटाइस एनर्जी। उस एनर्जी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, लेटाइस एनर्जी कहते हैं। आइए फिर से समझते हैं, ठीक है, फिर से मैं समझा रहा हूं क्योंकि बहुत ही इजी, आप इसे समझ तो गए ही होंगे, बहुत ही इजी है। आपको पता है ये NaCl जो है वो बहुत ही स्टेबल है, NaCl है वो स्टेबल है। तो स्टेबल क्यों है, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में और Na plus Cl minus का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो स्टेबल है। इट मींस उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, एनर्जी कम होगी। इट मींस इसके पास जो एनर्जी ज्यादा थी इसमें कम है, इट मींस इन्होंने कुछ एनर्जी रिलीज की होगी, एंड वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे लेटाइस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन कैसे हम लिख सकते हैं, तो इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, समझिएगा ध्यान से, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड विल फॉर्म। क्लियर, सिंपली यू कैन से दैट कंपाउंड इज फॉर्म्ड, वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम वन मोल कैट आयन एंड वन मोल एन आयन। क्लियर, कैट आयन एन आयन, ओके, ये उसका डेफिनेशन हो गया। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज वेन वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड विल इज फॉर्म्ड फ्रॉम वन मोल ऑफ कैट आयन एंड एन आयन, इट इज कंसिडर एज वॉट, लेटाइस एनर्जी। बट एक बात यहां पर बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, फ्रॉम गैसियस, ये याद रखना, मैं इधर लिखना भूल गया, फ्रॉम गैसियस कैट आयन एंड एन आयन, कैट आयन एंड एन आयन तो सही, बट कौन सी कंडीशन में, गैसियस कंडीशन में होना चाहिए। सिंपल बात बहुत ही ध्यान से समझिएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज एंड वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम वन मोल ऑफ गैसियस कैटायन एंड वन मोल ऑफ गैसियस एनायन, उसे हम लेटाइस एनर्जी कहते हैं। दोस्तों इसके रिवर्स को भी, हम इसको अगर उल्टा कर दे उसको भी हम लेटाइस एनर्जी कहते हैं, लेटाइस एंथैल्पी भी कहते हैं। एनर्जी एंथैल्पी हमने ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में कंसेप्ट क्लियर किया है। अगर मेरे पास वन मोल आयनिक कंपाउंड है, जैसे वन मोल आयनिक कंपाउंड मींस मैं NaCl ले लेता हूं, इट मींस मेरे पास NaCl सॉलिड फॉर्म में है, अभी मुझे NaCl में से Na प्लस गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड Cl माइनस को भी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और एक दूसरे से दूर ले जाना है। फिर से बता रहा हूं, अभी मेरे पास NaCl है, उसमें से Na प्लस एंड Cl माइनस को मुझे दूर करना है, एक दूसरे से बहुत दूर ले जाना है, तो भी जितनी एनर्जी लगती है उसे भी हम लेटाइस एनर्जी कहते हैं।
तो अभी सिंपल बात, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ तब जितनी एनर्जी रिलीज हुई उतनी ही एनर्जी लगेगी ये बॉन्ड को तोड़ने में और उनको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। सीधी बात है कि नहीं है? तो ये दोनों को हम लेटाइस एनर्जी कहते हैं। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना, फिर से बता रहा हूं आपको, बहुत ही आसान है। जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनता है, 1 मोल गैसियस कैटायन और 1 मोल गैसियस एनायन से, तब एनर्जी रिलीज होती है। वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लेटाइस एनर्जी कहते हैं। अभी 1 मोल आयनिक कंपाउंड को उसके आयन्स में गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। वो जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो इक्वल टू यही होता है, तो उसे भी लेटाइस एनर्जी कहते हैं। दोस्तों समझ में आ गया? तो उसे क्या कहते हैं? लेटाइस एनर्जी कहते हैं। तो अभी लेटाइस एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? लेटाइस एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो लेटाइस एनर्जी का कैलकुलेशन करने के लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, कोई डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट भी ऐसा नहीं है, कोई मेथड भी नहीं है, ये फॉर्म होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, नहीं ऐसा नहीं है। तो हमें इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना पड़ता है कैलकुलेट करने के लिए। कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ता है? इनडायरेक्ट मेथड। एंड एक इनडायरेक्ट मेथड हमारे पास है जिसे हम कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल, जिसे हम क्या कहते हैं? बॉर्न हेबर साइकिल। ओके, ये बॉर्न हेबर साइकिल की मदद से हम कितनी लेटाइस एनर्जी है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आपका जो कंसेप्ट था लेटाइस एनर्जी का आप समझ चुके होंगे। अभी हम समझने जा रहे हैं बॉर्न हेबर साइकिल, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया ना आप लोगों को? बहुत ही आसान है, ठीक है? फिर से एक बार बता देता हूं, 1 मोल आयनिक कंपाउंड फॉर्म होने के लिए 1 मोल गैसेस कैटायन और एनायन में से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे लेटाइस एनर्जी कहते हैं। इसका रिवर्स, इसको तोड़ के गैसियस फॉर्म में दोनों आयन को एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसे भी लेटाइस एनर्जी कहते हैं। उसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, उसका इनडायरेक्ट मेथड है। एंड वो इनडायरेक्ट मेथड को हम कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेटाइस एनर्जी को। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके आगे निकलते हैं। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, अभी हमें वो बॉर्न हेबर साइकिल समझने से पहले कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। उसमें से फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हमें क्या समझना पड़ेगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लिया तो ये थियरी बहुत ही आसान हो जाएगी। हीट ऑफ फॉर्मेशन, जिसे हम डेल्टा एच एफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एफ एच ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मैंने बताया था एंथैल्पी डेल्टा एच है, फॉर्मेशन है इसलिए एफ। तो इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूं। H2 + ½O2 गिव्स H2O। आपको पता है H2 + ½O2 गिव्स H2O बनाते हैं। H2 हमें कौन से फॉर्म में मिलता है? नेचुरली कौन से फॉर्म में मिलता है? गैसियस फॉर्म में मिलता है। ऑक्सीजन भी कौन से फॉर्म में मिलता है? गैसियस। और ये कौन से फॉर्म में मिलता है? लिक्विड। तो हमने कोई कंपाउंड बनाया ये एलिमेंट को कंबाइन करके, तो इधर भी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। समझ लेना कंसेप्ट, समझिए। जब हम कोई कंपाउंड बनाते हैं एलिमेंट में से, तभी भी एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। एंड वो जो हीट रिलीज होती है उसे डेल्टा एफ एच कहा जाता है, ठीक है? उसे क्या कहा जाता है? डेल्टा एफ एच कहा जाता है। इट मींस मैं सिंपल कह सकता हूं, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन प्योर एंड स्टेबल फॉर्म। सो चलिए इसको भी लिख लेता हूं, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन प्योर और एलिमेंटरी फॉर्म। इट मींस यू कैन सिंपली से दैट ओरिजिनल फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने,
ये जो था उसमें गैसियस फॉर्म था, इसमें ओरिजिनल फॉर्म और एलिमेंट्री फॉर्म। इट मींस H2 कहां से मिला हमें, जो गैसियस फॉर्म में मिलता है वो ही हमने यूज किया है, ऑक्सीजन जो मिल रहा है वो ही फॉर्म में यूज किया है, तब जो हीट रिलीज होती है ये रिएक्शन के दौरान उसे हम डेल्टा FH कहते हैं। जैसे ये देखिए Na प्लस हाफ Cl2 गिव्स NaCl सॉलिड, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे डेल्टा FH कहते हैं। कि सर आप क्या बात कर रहे हो, अभी आपने बताया लेटाइस एनर्जी कहते हैं, तो इसे आप क्या अभी क्यों फॉर्मेशन एनर्जी कह रहे हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन कह रहे हो, ऐसा तो क्या चेंज हो गया? तो दोस्तों आप देखिए सोडियम कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, Cl कौन से फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। इट मींस ये जो एलिमेंट उसके ओरिजिनल फॉर्म में हो एंड तब वो कंबाइन होके NaCl बना रहे हो, तब जो एन हीट रिलीज होती है उसे फॉर्मेशन एंथैल्पी कहते हैं। वो लेटाइस एनर्जी से कैसे अलग है? तो लेटाइस एनर्जी में हमने क्या देखा कि Na प्लस है गैसियस फॉर्म में एंड Cl माइनस है गैसियस फॉर्म में, वो कंबाइन होके NaCl सॉलिड बनाते हैं, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे लेटाइस एनर्जी कहते हैं। एंड सिंपल बात, एनर्जी रिलीज होती है तो आपको पता है एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा H का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर। तो ये फर्क है, ये Na प्लस गैसियस फॉर्म में। Na हमें मिलता कैसे है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। ओरिजिनली Na कैसे फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में, तो इधर हमने सॉलिड में ही लिया है। Cl2 क्या होता है, गैसियस फॉर्म में, तो गैस में लिया है, तब कंबाइन होके जो है हीट रिलीज होती है उसे डेल्टा FH कहते हैं। एंड जब गैसियस फॉर्म में आयंस, तो ये डिफरेंस है। लेटाइस एनर्जी क्या था, लेटाइस एनर्जी ये है कि एक मोल आयनिक कंपाउंड बन रहा है, एक मोल कैटायन और एक मोल एनायन, कौन से फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में से, उसे हम क्या कहते हैं, लेटाइस, तब एनर्जी रिलीज होती है उसे लेटाइस एनर्जी कहते हैं। इधर क्या है कि वन मोल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसके एलिमेंट में से, बट एलिमेंट कौन से फॉर्म में होते हैं, प्योर फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में, जिसे एलिमेंट्री फॉर्म भी कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे Mg सॉलिड फॉर्म में है एंड ऑक्सीजन जो है हाफ ऑक्सीजन वो गैसियस फॉर्म में है, उनसे जो बनता है उसे MgO कहते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तब जाके जो हीट रिलीज होती है उसे डेल्टा FH की वैल्यू कुछ आती है, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा लिखूं कि Mg प्लस 2 प्लस O माइनस 2 गिव्स MgO, ये दोनों गैसियस फॉर्म में है, ओरिजिनली तो एनर्जी सॉलिड में ही मिलता है बट हमने गैसियस में लिया है, तब जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या कहते हैं, लेटाइस एनर्जी कहते हैं। होप आपका पूरा जो कंसेप्ट होगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन का एंड लेटाइस एनर्जी का क्लियर हो चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक दूसरी टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। ये सारी चीजें दोस्तों डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो अभी खाली इतना याद रखिए, हो जाएगा, ये क्यों आया ऐसा, ये सब हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। अभी खाली इतना याद रखिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे निकलते हैं। तो इन शॉर्ट दोनों में फर्क इतना ही है कि ये गैसियस फॉर्म में होता है, ये ओरिजिनल फॉर्म में होता है, बात तो एक ही, एनर्जी तो रिलीज होती है। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो अभी हम एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं एंड वो लॉ का नाम है हैस लॉ। क्या, हैस लॉ। ओके, तो देखिए वो भी देख लेते हैं। तो हैस लॉ ने क्या बताया, हैस ने क्या बताया, हैस वाज द बेसिकली साइंटिस्ट, तो उसने क्या बताया, तो उसने ये बताया कि आप रिएक्शन, बहुत ध्यान से ये डिटेल में पढ़ेंगे, अभी खाली बता रहा हूं, रिएक्शन एक स्टेप में करो कि दो स्टेप में करो कि तीन स्टेप में करो, फिर से बता रहा हूं, रिएक्शन एक स्टेप में करो, दो स्टेप में करो कि तीन स्टेप में करो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो तो सेम ही रहेगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। फिर से बता रहा हूं, एग्जाम्पल देके भी बताऊंगा आपको, पर पहले इतना याद रखो, रिएक्शन आप एक स्टेप में कर रहे हो, दो स्टेप में कर रहे हो, या दो से ज्यादा स्टेप में कर रहे हो, बट टोटल चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा FH तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। जैसे आइए बात करते हैं, C प्लस O2 गिव्स CO2, सी सॉलिड फॉर्म में है, O2 गैसियस फॉर्म में है, CO2 गैसियस फॉर्म में, इट मींस आप मान रहे हो इसके लिए डेल्टा FH कुछ आएगा, मान लो X जितना आया, डेल्टा FH कितना आया, X जितना, X किलो जूल जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, इतना हम मान रहे हैं।
जब C सॉलिड O2 गैसियस में से फॉर्म हो रहा है तो ये हमने एक ही स्टेप में बनाया। अभी कोई बंदा है जो इसको दो स्टेप में बना रहा है कि C प्लस हाफ O2 C सॉलिड O2 गैसियस क्या बनेगा CO गैसियस, तो उसके लिए डेल्टा एफ एच वन होगा मान लो P किलो जूल जितना आया। अभी क्या होगा तो भाई CO जो है गैसियस फॉर्म में उसका हाफ O2 के साथ रिएक्शन होगा एंड आपको क्या मिलेगा CO2 मिलेगा, ये भी गैसियस फॉर्म में है, तब जाके डेल्टा एफ एच टू आपको क्या मिलेगा जैसे क्यू किलो जूल मिल रहा है। ठीक है, तो आप ये रिएक्शन दो स्टेप में कर रहे हो तो हर एक रिएक्शन का डिफरेंट डेल्टा एफ एच होगा, बट आखिर में आप इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे पी प्लस क्यू करोगे तो आपको एक्स किलो जूल जितना ही मिलेगा। तो P प्लस Q करने से आपको कितना मिलेगा X किलो जूल में ही मिलेगा। इट मीन्स कहने की बात यह है कि एक स्टेप में CO2 बना रहे थे तब जितनी एनर्जी रिलीज होती है तब जितनी हीट रिलीज होती है ओके उतनी ही हीट रिलीज होगी जब आप उसे वेरियस स्टेप में बनाओगे तब। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है, बेसिक है, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। बहुत ही आसान सी बात बता रहा हूं कि आप एक स्टेप में रिएक्शन करो या एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन करो, टोटल एंथाल्पी चेंज, टोटल एनर्जी चेंज, टोटल हीट चेंज, तो वो तो क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है यार, सिंपल बात है ना। अभी जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूं, चलो ए प्लस बी करके मैं सी बना रहा हूं, उधर जो एनर्जी चेंज हो रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है मान लो एक्स जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एक ही स्टेप में रिएक्शन है। अभी बहुत सारे स्टेप में होता है कि ए डी के साथ रिएक्शन करता है तो बी बनता है, फिर ए बी के साथ रिएक्शन करता है तो सी बनता है, यहां पे डेल्टा एफ एच मान लो ए जितना था, यहां पे डेल्टा एफ एच बी जितना था, तो आप इन दोनों का एडिशन करोगे तो एक्स ही मिलेगा, क्या मिलेगा एक्स ही मिलेगा। समझ रहे हो, बहुत ही इजी बात है, ये हैस ने बताया कि आप रिएक्शन एक स्टेप में करो या एक से ज्यादा स्टेप में करो टोटल एंथाल्पी चेंज तो क्या रहेगा सेम ही रहेगा, एंड एक से ज्यादा स्टेप में करेगा तो इन दोनों का समेशन जो है वो इसके जितना ही आएगा। इट मीन्स आप इधर से कान पकड़ो या इधर से कान पकड़ो बात सेम ही है यार, सिंपल है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम बॉर्न हेबर साइकिल देखते हैं। समझ में आ गया ना आप लोगों को, बहुत ही ईजी है ना बच्चों, क्लियर ओके समझ में आ गया कि नहीं, फिर से समझा रहा हूं, बहुत ही बेसिक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। रिएक्शन कितने भी स्टेप में हो रही हो टोटल एंथाल्पी चेंज तो क्या रहने वाला है सेम, ये रिएक्शन बताया इसका एक्स है, ये दोनों का एडिशन करोगे तो भी एक्स ही मिलेगा, इधर भी सी में से CO2 बना रहे हो पर इधर दो स्टेप में बना रहे हो, इधर एक स्टेप में बन रहा था, सिंपल बात है ओके। बहुत बच्चों वाला खेल है, चलिए तो ले लिया स्क्रीनशॉट ओके। आइए अभी हम बॉर्न हेबर साइकिल देखते हैं, ये आ गया तो आपका काम हो गया बॉर्न हेबर में, ये दो ही इंपॉर्टेंट थे। फिर से बता रहा हूं क्या क्या देखा हमने, लेटाइस एनर्जी, चलिए फिर से मैं इधर लिखता हूं तो आपको क्लियर हो, लेटाइस एनर्जी, हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड हेस लॉ, बराबर ये तीन चीजें पढ़ी हमने। तो लेटाइस एनर्जी कहां पे काम में लेंगे कि जब वन मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा आयनिक कंपाउंड बनेगा, किसमें से गैसियस एनायन, गैसियस कैटायन में से, उसको क्या कहेंगे हम लेटाइस एनर्जी कहेंगे। डेल्टा एफ एच कोई भी वन मोल कंपाउंड बनेगा, आयनिक होगा जरूरी नहीं है, कोई भी वन मोल कंपाउंड बनेगा बट उसके ओरिजिनल फॉर्म में होगा, प्योर फॉर्म में होगा, स्टेबल फॉर्म में होगा, वो जो फॉर्म में अवेलेबल होता है अर्थ में वो फॉर्म में होगा उसे डेल्टा एफ एच कहते हैं। हेस ने क्या बताया, इधर रिएक्शन एक स्टेप में करो या फिर एक से ज्यादा स्टेप में करो डेल्टा एफ एच तो आपको क्या मिलने वाला है सेम मिलने वाला है, सिंपल। चलिए आइए देखते हैं, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना बॉर्न हेबर साइकिल। जैसे Na सॉलिड फॉर्म में है, ये हाफ Cl2 फॉर्म में है तो गैसियस हो गया ओके, एंड इधर आपको मिल रहा है NaCl सॉलिड। तो अभी बताओ इसमें लेटाइस एनर्जी लगेगी कि डेल्टा एफ एच लगेगा, तो आप देख सकते हो आराम से कह सकते हो कि सर ये सॉलिड फॉर्म में है, ओरिजिनल फॉर्म में है, ये भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, तो इसका कुछ ना कुछ डेल्टा एफ एच का वैल्यू होगा होगा होगा, चलो हमें नहीं पता है कितना है ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तो डेल्टा एफ एच इतना कुछ ना कुछ तो होगा। अभी बता अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी हमें क्या करना है देखिएगा ध्यान से, हमें ये चेक करना है कि भाई हमें तो क्या करना है लेटाइस एनर्जी फाइंड करना है, हमें क्या करना है लेटाइस एनर्जी को फाइंड करना है। तो अभी देखिएगा क्या ट्रिक ये साइंटिस्ट ने यूज किया। तो लेटाइस एनर्जी क्या होता है कि भाई Na प्लस गैसियस एंड Cl माइनस गैसियस जो है
उसमें से क्या बनता है, NaCl बनता है, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, लेटाइस एनर्जी। इट मीन्स Na प्लस Cl माइनस में से भी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लेटाइस एनर्जी कहते हैं। अभी समझिएगा, अभी अगर 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 मुझे Na को Na प्लस गैसियस में कन्वर्ट करना है, समझिएगा, मुझे Na को Na प्लस गैसियस में कन्वर्ट करना है, तो पहले मुझे Na सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, Na गैसियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा यार। ठीक है, समझ में आ रहा है कि भाई Na सॉलिड था, मुझे Na प्लस में कन्वर्ट करना है, पर वो गैसियस फॉर्म में, तो पहले मैं स्टेट चेंज करूंगा, सॉलिड में से गैस में कन्वर्ट किया। ओके, सॉलिड में से गैस में कन्वर्ट किया, उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी, सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए। अभी आप मुझे बताओ, इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी कि एनर्जी रिलीज होगी, आपको कंपलसरी एनर्जी देनी पड़ेगी, आप एनर्जी दे रहे हो, तो ये क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा, ये आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। सिंपल वाली बात है, आपने क्या किया, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया यार, तो उसे सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं, सब्लिमेशन एंथैल्पी कहते हैं, तो आपको वो एनर्जी देनी पड़ेगी, बराबर। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसई कहते हैं, एसई सब्लिमेशन एनर्जी, वो क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। आप एनर्जी दोगे तब जाके सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा ना, सीधी बात है। ओके, अभी Na गैसियस से Na प्लस में कन्वर्ट करना है, जो होशियार बच्चे हैं वो समझ जाएंगे, Na में से Na प्लस, इट मींस क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है दोस्तों, इसमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो गैसियस आइसोलेटेड एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो भी आपको एनर्जी दोगे तब जाके ये निकलेगा, सीधी बात है, तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए, अभी आपने Na प्लस तो गैसियस फॉर्म में बना डाला, Na प्लस तो गैसियस फॉर्म में बना डाला, अभी आपके पास दोस्तों Cl2 है, तो Cl2 है तो उसमें से तो आपको Cl बनाना पड़ेगा ना, अकेला अकेला Cl गैसियस में लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये जो दो Cl के बीच का जो बॉन्ड है उसको आपको तोड़ना पड़ेगा, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बट ये तो आधा Cl2 लिया है, ये तो एक पूरा Cl2 था, अभी आधा Cl2 लिया है, तो इट मींस डिसोसिएशन एनर्जी बाय टू जितना एनर्जी लगेगा, समझ में आ रहा है, इट मींस ये पूरा बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उससे आधा लगेगा, क्योंकि आधा मोल है यार, सिंपल बात है। ठीक है, तो ये भी क्या मिलेगा, ये भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ये भी एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, ये भी एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, इसलिए ये भी क्या होगा, फिर से बता रहा हूं, Cl2 एक मोल है, एक मोल Cl2 एक दूसरे के साथ अटैच है, उसको तोड़ के खाली Cl फॉर्म में लाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। तो इधर तो आधा मोल है, तो एक मोल के लिए इतनी लगती है डिसोसिएशन एनर्जी जितनी, तो आधा के लिए डिवाइड बाय टू होगा ना यार, सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। ओके, तो ये मिल गया आपको, अभी Cl में से आपको क्या करना है, Cl माइनस करना है, तो गैसियस आइसोलेटेड एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो सोचिए 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 क्या आएगा, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड वो जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो खुश होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, बताया था एनर्जी रिलीज करेगा, देनी नहीं पड़ेगी, एनर्जी रिलीज करेगा, इसलिए उसे क्या होगा, वो नेगेटिव होगा मेरे दोस्तों, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है चंपा, यस और नो, फिर से Cl2 में से Cl बनाया, बॉन्ड को ब्रेक किया, तो एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए डी जितनी एनर्जी चाहिए, डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाय टू कर दिया, वो भी देनी पड़ेगी, इसलिए पॉजिटिव। अभी Cl गैसियस में से Cl माइनस बनाना है, इट मींस उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, बट Cl में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो खुश होगा, वो गैंग वो खुश होगा, तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा।
अभी Na प्लस Cl माइनस एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो आप NaCl सॉलिड बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, NaCl सॉलिड बनाएंगे, तब जाके जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उसे हम लैटाइस एनर्जी कहते हैं, एंड वो भी रिलीज होती है तो वो नेगेटिव होती है, वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि वो भी क्या होती है, रिलीज होती है मेरे दोस्तों, रिलीज होती है। तो अभी 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 ये एक स्टेप में रिएक्शन हुआ, ये एक स्टेप में रिएक्शन हुआ, एंड ये बहुत सारे स्टेप में रिएक्शन हुआ। तो हेस ने क्या बताया था कि भैया जितना एंथैल्पी चेंज होगा इधर, अगर आप सभी का एडिशन करोगे तो भी उतना ही एंथैल्पी चेंज होगा। बताया था कि नहीं बताया था यार? सिंपल बात है ना यार, हेस ने क्या बताया था कि भाई अगर आप डेल्टा एफ एच आ रहा है आपका ये फॉर्म में, तो आप बाकी सबको अगर दूसरे स्टेप में करो, आप बहुत सारे स्टेप में करो, अगर आप इन सबको एड करोगे तब जाके आपको सेम एंथैल्पी चेंज मिलने वाला है। तो चलिए ऐड कर दे। सबसे पहले हमने क्या किया, सब्लिमेशन एनर्जी, तो सब्लिमेशन एनर्जी तो पॉजिटिव ही होगा तो कोई बात नहीं है। फिर हमने क्या ऐड किया, आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो भी क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होगा। प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यस और नो, तो हम क्या लिखेंगे इधर कि भाई डी बाय टू, वो जितना होगा उसको एड किया, प्लस साइन लगा रहा, इट मीन्स हम एड कर रहे हैं। अभी ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्या है, नेगेटिव है यार, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्या है, नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर प्लस क्या करेंगे, प्लस लैटाइस एनर्जी, तो माइनस लैटाइस एनर्जी। तो दोस्तों ये फॉर्मूला बना। ओके, आप कह सकते हो कि ये सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हैस के हिसाब से टोटल एंथैल्पी चेंज कितना मिलेगा, डेल्टा एफ एच जितना ही मिलेगा। तो मैंने वो ही लिखा है मेरे दोस्तों, मैंने वो ही लिखा है आपके सामने। तो इट मींस अगर आपको ये सारी वैल्यूज दी गई हो, अगर आपको ये सारी वैल्यूज दी गई हो दोस्तों, तो आप आराम से लैटाइस एनर्जी फाइंड कर सकते हो। अगर आपको डेल्टा एफ एच दिया हो, अगर आपको सब्लिमेशन एनर्जी दिया हो, आयनाइजेशन एनर्जी दिया हो, डिसोसिएशन एनर्जी दिया हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया हो, तो लैटाइस एनर्जी आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो ये हुआ उसका एक इनडायरेक्ट मेथड माय डियर स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अंडरस्टूड इट, समझ में आया सबको? ओके, बहुत ही आसान तरीका है। तो ऐसे आप लैटाइस एनर्जी इनडायरेक्ट वे से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, हेस का लॉ फिर से बता रहा हूं, एक स्टेप में हो रहा है उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज लग रहा है वही मल्टी स्टेप के लिए लगेगा, बट कब, जब आप उसका एडिशन करोगे तब। बताया था आपको, बताया था ना, जैसे फिर से बता रहा हूं, चलो सी प्लस ओ टू सीओ टू के लिए जो बन रहा था, अगर सी हाफ ओ टू गिव सीओ प्लस सीओ प्लस हाफ ओ टू गिव सीओ टू के लिए, अगर ये दोनों को एड करोगे, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, तो एक्स जितना ही आ रहा था, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या आ रहा था, एक्स जितना ही आ रहा था। तो ये वही बात हुई ना मेरे दोस्तों, अगर डेल्टा एफ एच इतना आ रहा है तो आप सभी को ऐड करोगे तो तभी आपको डेल्टा एफ एच उतना ही मिलेगा, सिंपल बात है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं आपको, इसका आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं, तो आपको और ज्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है, और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चल ले लिया। ओके, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एंड नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा MgO। सो देखिए, Mg भाई साहब सॉलिड फॉर्म में है, प्लस हाफ O2 गिव्स MgO, वो सॉलिड फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में, सॉलिड आया ओरिजिनल फॉर्म, तो इसके लिए कुछ ना कुछ डेल्टा एफ एच मिलेगा, सिंपल बात है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो हमारा रिएक्शन क्या बता रहा है, हमारा रिएक्शन ये बताया कि भी Mg प्लस टू प्लस O माइनस टू कंबाइन होके क्या बनाते हैं, MgO बनाते हैं, तब जाके जो एनर्जी रिलीज होती है वो लैटाइस एनर्जी होती है, वो नेगेटिव होती है, इतना हमें पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम Mg को Mg प्लस टू में कन्वर्ट करते हैं यार, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, बट पहले तो Mg सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसे उसके लिए क्या चाहिए, सब्लिमेशन एनर्जी, एंड वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अभी देखा, अभी Mg में से हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, दो, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे Mg प्लस में कन्वर्ट करेंगे, उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, वो पॉजिटिव होता है आपको पता है, फिर उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, वो भी पॉजिटिव होता है आपको पता है।
Mg+2 गैसियस फॉर्म में बन गया। अभी आपको O-2 गैसियस फॉर्म में चाहिए, तो पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2, ये भी पॉजिटिव लगेगा, इससे आपको क्या मिलेगा, O गैसियस फॉर्म में मिल जाएगा। अभी समझिए, O में आपको दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, तो पहले आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे, वो नेगेटिव होगा। अभी कंसेप्ट आएगा। अभी आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 कहते हैं, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बच्चों ये क्यों पॉजिटिव होगा, जब मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको समझाया था तब मैंने क्लियर करवाया था, फिर से क्लियर करता हूं। अगर आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये खुश होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। बट जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैंने समझाया था आपको, बट जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्जन की वजह से ये उसको अंदर आने नहीं देगा, इट मीन्स वो खुश नहीं होगा, इट मीन्स हमें एनर्जी देनी पड़ेगी और ज्यादा, इसीलिए ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर नहीं आता तो मेरा वीडियो देख लेना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक है ये, एक की पॉइंट है, मैं इसे की पॉइंट कहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, ठीक है। तो ये हो गया, एंड ये लेटाइस एनर्जी नेगेटिव है, तो अभी हम क्या करेंगे यार, सबको ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो डेल्टा एफ एच इज इक्वल टू, पहले क्या ऐड करो, सब्लिमेशन एनर्जी, फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी प्लस क्या करेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2, मैं इधर भी प्लस कर रहा हूं, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 एंड माइनस लेटाइस एनर्जी, इससे हमें मिल जाएगा। एंड आपको क्वेश्चन में क्या देंगे, क्वेश्चन में सारी चीजें दी जाएगी आपको बच्चों, कोई बात नहीं है, आपको खाली बता आपको, चलो मैं न्यूमेरिकल कैसे पूछते बता देता हूं। एमजी से एमजी प्लस 2 बता दिया, कुछ बार क्या करते हैं, एमजी से एमजी प्लस 2 मान लो 150 किलो जूल, इतना तो नहीं होता है, बट मैंने रेंडमली वैल्यू बनाई है, तो ये दोनों की वैल्यू दी गई है, तो आप इन दोनों की जगह पे ये रख दोगे, समझ आया। ओ में से ओ माइनस 2 के लिए एनर्जी दी है 200, तो आप डायरेक्ट ही क्या रख लोगे, इन दोनों की जगह पे 200 रख दोगे। बट अगर उन्होंने सेपरेटली दिया है कि एमजी में से एमजी प्लस कन्वर्ट करने के लिए इतनी एनर्जी लग रही है, जैसे मान लो 70, तो आप IE1 की जगह पे 70 लिखोगे, एमजी प्लस में से एमजी प्लस 2 को निकालने के, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दूसरा मान लो कुछ लग रहा है 80, तो इधर आप 80 लिखो। समझ में आया, बच्चों वाला खेल है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके। अभी तो पूरा क्लियर हो गया ये बॉन्ड हेबर्ट साइकिल, ठीक है, ओके। तो बहुत ही इजी है, लिख लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। इसका एक हो सके तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा दूं, तो आपको भी क्या इसके जो डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए, एंड आप कंफ्यूजन में ना रहे, ठीक है, चलिए, हो गया, ओके। तो आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं, एंड तो आपका क्या कंफ्यूजन क्लियर हो गया, ओके। तो आपको KCl दिया है, क्या दिया है, KCl दिया है, एंड आपको उसकी लेटाइस एंथैल्पी फाइंड करनी है, लेटाइस एनर्जी आपको फाइंड करनी है KCl की। दूसरी क्या क्या चीजें दी गई है आइए देखते हैं, ओके। दूसरी क्या क्या चीजें दी गई है वो देखते हैं। तो भाई एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंथैल्पी दिया गया है वो 89 किलो जूल पर मोल दिया गया है, समझिएगा, सब्लिमेशन एंथैल्पी 89 किलो जूल पर मोल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन दिया गया है आपको 244 किलो जूल पर मोल जितना दिया गया है, ओके। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर सीएल, ओके अंडरस्टूड, इधर क्या दिया गया है, ओके, तो EA दिया गया है आपको Cl के लिए पोटेशियम, इधर आयनाइजेशन एनर्जी दिया गया है पोटेशियम के लिए, एंड वो दिया गया है 425 किलो जूल पर मोल, कितना दिया है
425 किलो जूल पर मोल। क्लियर। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया गया है वो 355, वो आप बराबर 355 किलो जूल पर मोल दिया गया है सीएल का। एंड उसके बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको डेल्टा एफएच भी दिया गया है, वो -438 किलो जूल पर मोल है। तो चलिए बच्चों अभी इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं, ठीक है, उसकी लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करते हैं। तो पहले KCl है, तो जनरली K कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, हाफ Cl2 होता है गैसियस फॉर्म में, एंड क्या बनता है, KCl बनता है सॉलिड फॉर्म में। इसके लिए क्या लगता है, डेल्टा FH लगता है। अभी K को क्या करेंगे, गैस में कन्वर्ट करेंगे। अभी तो आप होशियार हो गए, फटाफट कर रहा हूं, सब्लिमेशन एनर्जी पॉजिटिव, K में से K प्लस आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव, गैसियस में आ गया। Cl2 में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 करोगे तो Cl गैसियस बन जाएगा। अभी Cl गैसियस में से Cl माइनस गैसियस बनाओगे, इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा, इसे ऐड करेंगे इन शॉर्ट, ओके। अभी ये दोनों बना के क्या बनाएंगे, लेटाइस एनर्जी, वो नेगेटिव होगा। चलिए ऐड करते सबको, तो डेल्टा एफ एच इज इक्वल सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाय 2 माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लेटाइस एनर्जी। सब है हमारे पास, डेल्टा एफ एच कितना है -438, सब्लिमेशन एनर्जी कितना है 89, आयनाइजेशन एनर्जी कितना है 425, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितना है 244 डिवाइड बाय 2, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना है 355 एंड माइनस लेटाइस एनर्जी। यार कैलकुलेशन करके आपको लेटाइस एनर्जी मिल जाएगा, ये लेटाइस एनर्जी फाइंड करने का इनडायरेक्ट मेथड है। ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत इजी है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखते हैं कि लेटाइस एनर्जी कौन से फैक्टर्स पे अफेक्ट करती है, ठीक है, लेटाइस एनर्जी कौन से फैक्टर पे अफेक्ट करती है वो हमें देखना है। इसलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड फिर हम आगे निकलते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लेटाइस एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटाइस एनर्जी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, इसे इसे बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा तो ही आपका काम का है, ओके। तो अभी देखते हैं लेटाइस एनर्जी वैसे होता क्या है, तो कभी Na प्लस गैसियस में, Cl माइनस गैसियस में एंड NaCl सॉलिड में, ठीक है, तो तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे लेटाइस एनर्जी कहते हैं। तो ये जितना नजदीक आएंगे, समझिएगा, जितना नजदीक आएंगे, इट मींस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है आर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लेते हैं आर, समझिएगा, इतने जितना नजदीक आएंगे उतना कितना नजदीक आ पाएंगे ये लोग, जितना आर कम होगा, समझिएगा, पहले कंसेप्ट समझिए, जितना ये एक दूसरे से नजदीक आएंगे उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, उतना ज्यादा, इट मींस लेटाइस एनर्जी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा, समझ लिया आपने, सिंपल बात, जितना ज्यादा नजदीक आएंगे उतना ज्यादा लेटाइस एनर्जी रिलीज करेंगे। तो लेटाइस एनर्जी एंड डिस्टेंस इन दोनों के बीच का वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो लेटाइस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो डिस्टेंस को क्या मैं साइज कह सकता हूं, डिस्टेंस को क्या मैं कह सकता हूं साइज, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं, बट ये चलो अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच, तो इट मींस मैं ऐसे लिखता हूं डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, जितना कम होगा उतना लेटाइस एनर्जी ज्यादा। अब ये डिस्टेंस कब कम होगा, जब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा तब जाके ये कम होगा, इट मींस जितना फोर्स ज्यादा होगा उतना लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगा, उतना मैं कह सकता हूं, क्योंकि तभी ये डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन क्या होगा, कम होगा। इट मींस सिंपल बात समझिए, जितना Na प्लस Cl माइनस के बीच में स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन होगा कैटायन एनायन के बीच में, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना वो नजदीक आएंगे, इसलिए फोर्स उतना बढ़ेगा, उतना डिस्टेंस डिक्रीज होगा एंड लैटाइस एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी,
ओके समझ में आ गया, लेटाइस एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, समझ लेना बहुत ही ध्यान से समझ लेना। ओके अभी ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट बेसिक कंपाउंड के लिए, ये कंपाउंड की बात की हम अभी। ये बात हमेशा याद रखना, लेटाइस एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ कैट आयन एंड एन आयन के, चार्ज ऑफ कैट आयन एंड एन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमेशा याद रखना। एंड उनकी साइज के, उनकी जो साइज होती है कैट आयन और एन आयन की, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो गोल्डन चीजें याद रख लो, फिर मैं सब कुछ करा दूंगा। ठीक है कि भाई लेटाइस एनर्जी क्या होता है, चार्ज ऑफ कैट आयन और एन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जितना कैट आयन और एन आयन का चार्ज ज्यादा है उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए उतनी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी। अभी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है यार, क्योंकि साइज जितना ज्यादा होगा, साइज मीन्स डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस जितना ज्यादा लेगा उतना लेटाइस एनर्जी क्या होगा, कम होगा। सिंपल बात है, जितना साइज ज्यादा होगा उतना लेटाइस एनर्जी कम, जितना साइज छोटा उतना लेटाइस एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो ये दो मेन फैक्टर आए, ये दो मेन फैक्टर आए दोस्तों। ठीक है, फिर मैं आपको एक दूसरा फैक्टर भी बताऊंगा, बट पहले खाली ये दो मेन फैक्टर जो है उसके ऊपर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर मैं आपको ऐसा दे रहा हूं NaF, MgF2 एंड AlF3, ये तीन कंपाउंड में से किसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी और लेटाइस एनर्जी के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो हम क्या देखेंगे? तो क्या भाई ये दो पॉइंट याद रखेंगे, लेटाइस एनर्जी चार्ज ऑफ कैट आयन एंड चार्ज ऑफ एन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों दिमाग में बैठा दीजिए। तो अभी इसमें तो ये एफ तो सेम ही है, एफ तो सेम ही है, तो एन आयन तो सेम है, उसको हटा देते हैं। तो अभी देखो एन ए है, एम जी है एंड ए एल है, एन ए एम जी ए एल, तो उनके बीच में साइज डिफरेंस होता है। Yes, उनके बीच में साइज डिफरेंस भी होता है एंड उनका चार्ज भी डिफरेंट है। उनका चार्ज भी क्या है, डिफरेंट। Na के ऊपर इधर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। Mg के ऊपर +2 आएगा, Al के ऊपर +3 आएगा, समझिएगा। तो ये Na, Mg, Al, इट मींस वो एक ही पीरियड के एलिमेंट है, वो एक ही पीरियड के एलिमेंट है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है, कम होती है। तो मैं कह सकता हूं कि Al की साइज कम होगी, तो Mg की ज्यादा होगी, Na की सबसे ज्यादा होगी। बट इधर चार्ज देख सकते हो, Na के ऊपर +1 है, इधर +2 है, +3 है। ऑलवेज रिमेम्बर, जब दोनों फैक्टर देखने हो, साइज एंड चार्ज, उसमें से चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर है। पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, चार्ज देखना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर है। क्यों ऐसा चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर है, क्योंकि चार्ज ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, 1/2 हो रहा है, उतना रेडियस उतना कम नहीं हो रहा है, इसीलिए चार्ज इधर अपना डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो हम चार्ज देखेंगे। तो अभी क्या देखा भाई, चार्ज ऑफ कैटायन जितना ज्यादा होगा उतना उसका लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगा। तो किसका चार्ज सबसे ज्यादा, Al +3, उसका लेटाइस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, फिर Mg +2 का, फिर Na +3, मीन्स लेटाइस एनर्जी इसका ज्यादा होगा, फिर इसका। समझ में आ गया, तो ये उसका करेक्ट ऑर्डर बनेगा। समझ में आ रहा है, इन शॉर्ट ये दो पॉइंट याद रखना है आपको, लेटाइस एनर्जी किसके, चार्ज ऑफ कैट आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड साइज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इतना याद रखिए। चलिए मैं दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूं इसी में, जैसे Na2O एंड MgO, तो इसमें किसका लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगा। वीडियो को पॉज करिए, एक दो सेकेंड के लिए सोचिए, फिर आंसर दीजिए मुझे। ओके, तो इधर तो ऑक्सीजन तो सेम ही है, तो इधर Na प्लस बन रहा है, इधर Mg +2 बन रहा है। ओके, तो भाई चार्ज डोमिनेटिंग, तो ये MgO का लेटाइस एनर्जी ज्यादा हो गया Na2O से, सिंपल बात है। ओके, इसका लेटाइस एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, अंडरस्टूड, क्लियर। बट अभी बात करते हैं NaCl एंड Na2S, इधर लिख रहा हूं NaCl एंड Na2S, तो इधर तो Na सेम है, Na सेम है, तो नेगेटिव आयन देखेंगे तो Cl- देखेंगे, इधर S -2 है, ये आपको पता होना चाहिए, आयनाइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो अभी अभी इसमें क्या देखेंगे, चार्ज ऑफ कैट आयन, सॉरी नहीं है, कैट आयन तो सेम है, तो एन आयन देखेंगे, एन आयन का जितना चार्ज ज्यादा उतना उसका, तो भाई ये ज्यादा है S-2, तो इट मीन्स Na2S की लेटाइस एनर्जी ज्यादा है NaCl से। समझ में आ गया,
जब दोनों हो तब क्या करेंगे, तो मैंने बताया था जब दोनों हो तब हम देखेंगे कि कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग होगा चार्ज। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर मैं आपको आगे कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ओके, ले लिया। चलिए मैं थोड़ा सा हटा देता हूं इधर, बाकी सारी चीजें आपके सामने। तो इधर हम बात करते हैं NaF एंड MgCl2। अभी सब कुछ अलग, इधर Na प्लस है, इधर Mg+2 है, इधर F माइनस है, इधर Cl माइनस है। तो अभी इसमें तो साइज का भी फर्क है FCl में Na प्लस, बट अभी हम क्या देखेंगे मेनली, अपना डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, चार्ज। डोमिनेटिंग फैक्टर जो है वो इधर क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट क्लियर? NaF एंड MgCl2। तो उसमें आप चलिए सोचिए इसमें हमारा क्या होगा, किसका लैटाइस एनर्जी ज्यादा होगा। तो इधर आप देख सकते हो इसमें ये फैक्टर डोमिनेटिंग है, तो कैट आयन में Mg+2 का चार्ज ज्यादा है तो ये डोमिनेटिंग फैक्टर रहता है। बट इधर F माइनस Cl माइनस में जिसका साइज छोटा, उतना लैटाइस एनर्जी ज्यादा। तो इन दोनों में तो ये तो पूरा एक ग्रुप में आ गए ना, एफ एंड सीएल। तो इसमें ज्यादा डिफरेंस होता है, इसकी साइज ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। जब पीरियड में जाते हैं तो उतना साइज का डिफरेंस नहीं मिलता है, आप देख लेना प्रैक्टिकल डेटा देख के, इसका डिफरेंस टॉप टू बॉटम ज्यादा होता है। तो इधर तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो अभी एक केस में ये डोमिनेट कर रहा है, एक केस में ये डोमिनेट कर रहा है, तो कैसे पता करेंगे? बोलिए, तो कैसे पता करेंगे, ये क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो इसमें किसकी लैटाइस एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी। तो हमेशा याद रखना ये केस के अंदर NaF जो है उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि इधर फिर डोमिनेटिंग फैक्टर आ जाता है। ओके, साइज आ जाता है। क्लियर? ओके, अंडरस्टूड? तो इधर क्या आ जाएगा, डोमिनेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा। इन शॉर्ट इसमें किसकी लैटाइस एनर्जी आपको पूछी है, MgCl2NaF, तो ये F वाला जो पार्ट है वो डोमिनेट करेगा, इसकी वजह से ये ज्यादा है। ठीक है, बट इसमें मैंने बताया क्या डोमिनेट करेगा, जनरली चार्ज डोमिनेट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये फैक्टर्स है इसके। अभी एक और फैक्टर में बताना चाहूंगा, कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें, NaF MgCl2, क्लियर? ओके, तो फिर से बता रहा हूं, NaF था, चलो अगर NaF की जगह पे इधर MgF2 ही था तो दोनों तो F सेम है, तब क्या करते हैं, Na+ करते, इधर Mg+2 करते, तो इसकी लैटाइस एनर्जी ज्यादा आती, क्योंकि हम क्या, कौन सा फैक्टर देखते, चार्ज ऑफ कैटायन ही देखते। बट इधर हम देखेंगे कि चलिए NaCl है एंड दूसरा बात करते हैं हम NaF, तो उसमें क्या देखेंगे, NaCl NaF, तो इसमें भी Na+ है, इसमें भी Na+ है, इसमें Cl- है, इसमें F- है, दोनों का चार्ज तो सेम ही है, तब हमें क्या देखना पड़ेगा, साइज देखना पड़ेगा। तो जिसका साइज छोटा होगा उतना उसका लैटाइस एनर्जी ज्यादा होगा, तो NaF का लैटाइस एनर्जी इसमें ज्यादा आएगा। तो ऐसे ही आप कर सकते हो, ठीक है, कुछ अलग बात नहीं है, ऐसे ही आप कर सकते हो, सिंपल बात है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम कब साइज को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, जब ग्रुप की बात करते हैं, जब पीरियड की बात करते तब नहीं लेंगे। ठीक है, तो वो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, अभी हम देखते हैं एक लैटाइस एनर्जी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बहुत ध्यान से समझ लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में। बट किसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, मान लो एक एटम मेरा यहां पे है, उसके आजू बाजू उसके सराउंडिंग में मान लो कितने एटम आ गए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 एटम आ गए, तो ये एटम के साथ 6 दूसरे एटम टच कर रहे हैं, एक दूसरे को छू रहे हैं, ये एटम को 6 एटम टच कर रहे हैं, इट मींस कितने सराउंडिंग एटम टच कर रहे हैं, उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें, और देखो एक कोई एटम है उसमें खाली 3 ही है,
दूसरे एटम उसको टच कर रहे हैं तो किसका लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगा, इसका लेटाइस एनर्जी ज्यादा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम गिने तो 6 आ रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ रहा है, ठीक है ओके। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला जो फैक्टर है वो खाली हम सल्फेट एंड कार्बोनेट में ही देखते हैं, इसका कंडीशन है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई सल्फेट एंड कार्बोनेट में ही देखते हैं, एंड वो भी कौन से सेकेंड ग्रुप के, सेकेंड ग्रुप के सल्फेट एंड कार्बोनेट के लिए ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर वाला फैक्टर देखते हैं, बाकी तो काम इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमेशा याद रखना ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैट आयन एंड एन आयन जितने सराउंडिंग होंगे उतना उसका ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। अभी मुझे बताओ, अभी मुझे एक सिंपल लॉजिक बताना, मेरे पास इतना छोटू सा एक एटम है तो उसको कवर करने के लिए बड़े बड़े कितने बॉल्स लगेंगे, तो उसको 3 बॉल लगे ये पूरा कवर हो गया। बट अगर एक ऐसा बॉल है उसको कवर करने के लिए कितने बड़े बॉल्स लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। इन शॉर्ट मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि कैटायन का साइज जितना ज्यादा होगा उतना कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मैं तो बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूं, बट सोचिएगा मेरे पास इतना छोटा सा कैटायन है, उसकी साइज बहुत छोटी है, तो वो तो बहुत ही जल्दी से सराउंड हो जाएगा ये 3 से। ये एनायन है, एनायन की साइज बड़ी होती है, कैटायन की साइज छोटी होती है, बट जितना कैटायन बड़ा होगा उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होने वाला है, बड़ा होगा। उसी सेम साइज के ज्यादा बॉल्स लगेंगे, वो ही होगा एनायन के अंदर। एनायन एक इतना है, एक इतना है, तो एनायन को कवर करने के लिए कितने वो ज्यादा लगेंगे, इसमें इसमें कम लगेंगे। इट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साइज जितना ज्यादा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ज्यादा होगा, एंड उतना लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगा। किस केस में देखना है, सल्फेट एंड कार्बोनेट होंगे ओके, किसके सेकेंड ग्रुप के, उसी में देखना है। तो उसके ऊपर से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने ये कराया। तो अभी मैं दे रहा हूं आपको BSO4, CaSO4, MgSO4 ओके एंड BaSO4, ये 4 मैंने दिए सल्फेट। तो ये चारों चार सल्फेट में आप देख सकते हो B+2 है, Ca भी +2 है, Mg भी +2 है, एंड BaB+2 है, एंड SO4 भी -2 है। तो नेगेटिव आयन का भी चार्ज सेम है, तो साइज फैक्टर देखना पड़ेगा। वैसे इससे भी तो हो ही जाएगा, ठीक है, बट इसमें थोड़ा एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि साइज जितना ज्यादा होगा उतना लेटाइस एनर्जी क्या आएगा, कम आएगा। बट ये केस के अंदर, ये केस के अंदर पहले तो उसको अरेंज कर दो, तो पहले कौन आएगा, BSO4 आएगा, फिर MgSO4 आएगा, फिर CaSO4 आएगा, एंड फिर BaSO4 आएगा। तो मैंने बताया कि भाई जितना साइज ज्यादा होगा उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना उसका लेटाइस एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा लेटाइस एनर्जी BaSO4 का होगा, फिर MgSO4, CaSO4, फिर MgSO4, फिर BaSO4 का होगा। तो ये ऑर्डर इसमें चेंज होगा, खाली सल्फेट एंड कार्बोनेट ऑफ सेकेंड ग्रुप के लिए। याद रखना ये एक्सेप्शनल केस है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है, कि साइज ऑफ कैट आयन जितना ज्यादा होगा, साइज ऑफ कैट आयन ही देखिए ओके। तो इधर मैं साइज लिखा है, बट ये साइज ऑफ कैट आयन कर देता हूं। साइज ऑफ कैट आयन जितना ज्यादा होगा उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, उतनी लेटाइस एनर्जी। तो इसका साइज सबसे बड़ा है, बीए का साइज सबसे बड़ा है, इसकी वजह से उसकी लेटाइस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं बहुत ही समराइज फॉर्म में आपको सब कुछ दे देता हूं, बहुत ही समराइज फॉर्म में, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं। चलिए तो अभी देखते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट ओके। तो आज के इंपॉर्टेंट लेक्चर में हमने क्या देखा दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट लेक्चर में हमने ये देखा कि लेटाइस एनर्जी क्या है, कौन से फॉर्म में हम मेजर करते हैं, गैसियस कैटायन एंड एनायन। तो इसके लिए हम क्या याद रखेंगे, गैसियस कैटायन एनायन कंबाइन होते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है उसे लेटाइस एनर्जी कहते हैं। फॉर्मेशन एनर्जी किसे कहते हैं, क्योंकि भाई जो ओरिजिनल फॉर्म में एलिमेंट होते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में, एलिमेंट्री फॉर्म में एलिमेंट होते हैं, वो कंबाइन होकर जब कंपाउंड बनाते हैं तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे डेल्टा एफएच कहते हैं। हैस ने क्या बताया, हैस लो क्या था, क्या आइदर रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है कि एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, टोटल
टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला है। टोटल एंथैल्पी चेंज तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। फिर हमने देखा बॉर्न हेबर साइकिल, तो लैटाइस एनर्जी की कौन सी मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड कोई नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड है, उसे बॉर्न हेबर साइकिल कहते हैं, बीएचसी, ठीक है, बॉर्न हेबर साइकिल कहते हैं। फिर हमने क्या देखा कि लैटाइस एनर्जी होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसे बहुत ही ध्यान से याद रखना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज ऑफ कैटायन एंड चार्ज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड लैटाइस एनर्जी जो होता है वो साइज के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हमने देखा कि लैटाइस एनर्जी कोऑर्डिनेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर साइज ऑफ कैटायन पे डिपेंड करता है, बट इसके लिए हमने एक टर्म्स एंड कंडीशन यूज किया था। इसके लिए हमने कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन यूज किया कि ये खाली सल्फेट एंड कार्बोनेट के लिए ही यूज होता है, सल्फेट एंड कार्बोनेट के लिए ही, सेकेंड ग्रुप के लिए यूज होता है, ये पर्टिकुलर का थर्ड पॉइंट, बाकी दो पॉइंट से आपके काम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, Li2O एंड Li3N, फटाफट से मुझे बताइए इसमें किसकी लैटाइस एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, किसकी लैटाइस एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसमें Li तो कॉमन है, Li+ होता है कॉमन है, तो O-2 है, N-3 है, तो ये तो पीरियड वाली बात आ गई, तो तब तो हम साइज देखने वाले नहीं है, ओके। तो हम क्या देखेंगे, जिसका नेगेटिव चार्ज एन आयन का चार्ज जितना ज्यादा होगा, तो ये 3 है, तो इट मींस इसकी जो Li3N है उसकी जो आप कह सकते हो सिंपल के क्या लैटाइस एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है बच्चों, ओके। बहुत ही बेसिक तरीके से एंड बहुत ही इजी तरीके से मैंने ये कंसेप्ट समझाया है, बहुत ही ध्यान से इसे देखिएगा, ओके बच्चों, इसे समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर कुछ बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि उसके बेसिक्स वीक है, तो इसे दूसरी बार देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही एफर्ट लगा के मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है। अगर आपने ये देख लिया, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे लैटाइस एनर्जी के ऊपर से, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज कमेंट करिए, बट उसे शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, केयर एंड सपोर्ट, एंड यस, इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज डू कमेंट, आई विल सॉल्व योर ईच एंड एवरी डाउट। थैंक यू सो मच फ्रॉम द होल टीम ऑफ सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।